बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, दहेजोगियों ने कर दी नवविवाहिता की बर्बरता पूर्ण पिटाई, पीड़िता मीनू को आई कई चोटें। इटावा थाना क्षेत्र कोतवाली के अंतर्गत एक नवविवाहिता महिला जिसकी शादी को अभी 3 साल ही हुए हैं, पहले से ही अच्छे खासे दान दहेज के साथ संपन्न हुई थी शादी। उसके बाद भी उसके दहेज लोभी ससुराल वालों ने एक साथ मिलकर लात घूसों व डंडों से घर में जमकर मारा, जिससे उसे कई गंभीर चोटें भी आई हैं। मामला अब जनपद के न्यायपूर्ण पुलिस अधीक्षक अधिकारी व जनपद के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह के संज्ञान में आने के बाद तुरंत ही उन्होंने पीड़िता की FIR लिखने का निर्देश दिया, जिस पर प्रभारी कोतवाली ने कार्यवाही करते हुए मारपीट और दहेज प्रताड़ना की विभिन्न धाराओं 498A, 323, 504, 34 के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। पीड़िता मीनू पाठक पत्नी रजत पाठक निवासी वाह अड्डा शहर इटावा थाना कोतवाली क्षेत्र के परिवारजनों ने बर्बरता से मारपीट करने वाले ससुराली जनों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही के साथ न्याय करने की गुहार SSP इटावा डॉक्टर ब्रजेश कुमार सिंह से लगाई है। मीनू जी, आपके साथ क्या घटना हुई आज? हम सुबह घर पे थे, अपने घर पे ससुराल में जी, तो हम चाय वगैरह बना रहे थे किचन में जी। तो मेरे ससुराल वाले हैं जो सास और मेरे पति और जेठ जेठानी सब लोग बोलने लगे दहेज के बारे में, दहेज लेके नहीं आई, लेके नहीं आई दहेज, उस बारे में बोलने लगे वो लोग। अच्छा। वही सास उन्हीं से रोने लगी, तो हमने कहा मम्मी अभी एक बार पड़ गई, तो फिर उन्होंने मारा पीटी शुरू कर दी। सास ने मारा, मुझे डंडों से मारा, पेटे इतने लात मारी मुझे। अच्छा। और सोनू ने मारा। अच्छा। जेठ जेठानी सब ने उन्हें मारा पीटा, पेट में लात मारी और बाल पकड़ के दीवार में मेरा सर मार दिया और खींच के मुझे अंदर कमरे में ले जा रहे थे, जिस वजह से उनके बाहर आवाज ना जा सके, जिससे गली का कोई सुन ना सके। कोई मदद के लिए नहीं आया आपकी? कोई मदद के लिए नहीं आया? सब तोड़ दिए कैमरे, हमने कहा मम्मी कैमरा क्यों तोड़ रही, तो बोली कि कैमरा तो तोड़ देंगे जिससे कुछ प्रूफ ना हो, और राधा भी साथ में आ गई थी।